प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, बात करते हैं कुछ लकी राशियों के बारे में। इन राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है और भोलेनाथ की जो कृपा दृष्टि है वो इनके ऊपर पड़ रही है, जिससे इनको अपनी मेहनत का जो फल है वो मिलने वाला है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति अपना जीवन खुशहाली पूर्वक व्यतीत करना चाहता है, लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि समय के अनुसार व्यक्तियों को खुशियों के साथ साथ दुखों का भी सामना करना पड़ता है। दरअसल जो भी उतार चढ़ाव व्यक्ति के जीवन में आते हैं, ये सभी ग्रहों की चाल पर आधारित होते हैं। अगर ग्रहों की चाल ठीक हो तो व्यक्ति को इसका अच्छा परिणाम मिलता है, परंतु ग्रहों की चाल ठीक ना हो तो व्यक्ति को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के जीवन में राशियों का बहुत महत्व बताया गया है। राशियों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। तो आज कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। तो सबसे डिस्प्ले पर आप सबसे पहली राशि मेष देख रहे हो। मेष राशि वाले लोगों के ऊपर भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहेगा। जो लोग व्यापारी हैं वह अपने व्यापार में बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। आमदनी की अच्छी योजनाएं हाथ लग सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन के लेन देन में आपको सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। घर परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। आप अपने घर परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। विभिन्न मामलों में आपकी सहायता की आवश्यकता रहेगी। आप किसी लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा और लगभग हर एक कार्य में आपको सफलता मिलती रहेगी। अगली राशि वृषभ है। वृषभ राशि वाले के लोगों को भविष्य में अच्छा लाभ मिलने का योग बन रहा है। भोलेनाथ की कृपा से पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। आपकी जीवन शैली में सुधार आने के योग बन रहे हैं। आप अपने कामकाज से संतुष्ट रहेंगे। आप अपनी पुरानी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करना होगा। कार्यस्थल में आपके कामकाज की प्रशंसा हो सकती है। आपको कार्यस्थल में तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। आपके द्वारा किए गए पिछले और अभी के वर्तमान में जो प्रयास चल रहे हैं वह सभी प्रयास हर चीज़ को लेकर सफल होंगे और धीरे धीरे सफलता मिलती रहेगी। अगली राशि सिंह है। सिंह राशि वाले लोगों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने वाला है। भोलेनाथ की कृपा से आपके व्यापारिक क्षेत्र में विस्तार होगा। कठिन परिस्थितियों से छुटकारा मिल सकता है। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। आपके अच्छे स्वभाव की वजह से कुछ लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ कहीं अच्छी जगह घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है। घर परिवार में कोई बड़ा मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, कोई बड़ा आयोजन भी हो सकता है। माता पिता की जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। धैर्य के साथ काम ले, सभी जो कार्य हैं वो धीरे धीरे पूर्ण होंगे। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं। तो अगली राशि तुला है। तुला राशि वाले लोगों को भोलेनाथ की कृपा से तरक्की मिलने के योग बन रहे हैं। आप अपने सभी अधूरे सपने बहुत शीघ्र पूरे कर सकते हैं। कारोबार के सिलसिले से किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी अनुभवी लोगों से हो सकती है, जिनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। दूर संचार माध्यम से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आप अपना उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। रचनात्मक कार्यों में अधिक आपकी रुचि रहेगी। तुला राशि वालों के लिए आने वाला समय शुभ और अच्छा है। अगली राशि कुंभ है। कुंभ राशि वाले लोगों को किस्मत का पूरा साथ मिलने वाला है। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं वह दूर होंगी। आपके रुके हुए कार्य प्रगति पर आएंगे। रचनात्मक कार्यों में बढ़ोतरी होगी। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं फायदेमंद साबित होंगी। आपके कामकाज की सराहना हो सकती है। विदेश में कार्य कर रहे लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। घरेलू जीवन आनंददायक रहने वाला है। प्रभावशाली लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपको अच्छी सफलता हासिल होगी, बड़ा मुकाम मिल सकता है। ये कुछ राशियों को लेकर बातें थी। इसके अलावा जीवन से जुड़ी और समस्या और परेशानी, जैसे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी में तरक्की को लेकर, भाग्य उदय को लेकर, रतन रंग अंग को लेकर, ग्रह क्लेश से मुक्ति, कुंडली विश्लेषण, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप डिस्प्ले पर स्वामी जी के व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। अपनी डिटेल देकर जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का हल उनसे करवा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी अच्छी और रोचक लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर से एक नए वीडियो में ऐसे मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।